जो BRC इंटरव्यू आने वाला है उस रिगार्डिंग मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा आपको। एक तो जनरल इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि 5 अपना फेवरेट टॉपिक लिखो। जो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स होते हैं वहाँ पर, तो उनके पास A4 शीट होता है और पेन होता है। अदरवाइज दे कैन हैव बोर्ड एंड मार्कर ऑल्सो। सो आप एज्यूम कर लो एक राउंड टेबल होगा एंड वहाँ पर इंटरव्यूअर्स होंगे एंड उस टेबल के ऊपर A4 शीट एंड पेन रखा होगा एंड आपको बोला जाएगा कि 5 अपना फेवरेट टॉपिक बताओ। आपको लिखने के लिए भी बोल सकते हैं और आपको बताने के लिए भी बोल सकते हैं। ये जनरल ट्रेंड है BRC का, इंटरव्यू का। आपके केस में ये वैरी कर सकता है क्योंकि बहुत बच्चों का इंटरव्यू सेम प्रोसेस में लेना होगा ना। मतलब ऐसे कोई रिटेन प्रोसेस नहीं है, बट यस दे मे बी बोर्ड एंड दे कैन हैव ए ट्राई टू अनदर काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर योर केस। ओके, यू डोंट नो, तो अलग भी हो सकता है। बट ये एक जनरल ट्रेंड है कि 5 या 6 टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि 5-6 टॉपिक अच्छे से बना लो और उसमें फिजिकल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखना। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों रखना, बट फिजिकल का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा रखना। एंड जो टॉपिक आप वहाँ पर लिखोगे ना, अगर बताओगे भी, लिखने के लिए ना बोले बताने के लिए भी बोले, तो जो सीक्वेंस है ना, तो वो आपको, आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहले रखना एंड जो लिस्ट कंफर्टेबल है वो लास्ट में रखना। कभी कभी ये भी होता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि लास्ट से पूछना स्टार्ट किया था, जो लास्ट वाले टॉपिक है वहाँ से पूछना स्टार्ट किया था। तो भी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें मैं लिस्ट कंफर्टेबल हूँ उन 5-6 टॉपिक में से वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कोई टॉपिक मत रखना जैसे कि 1H NMR और अलग से सेकेंड टॉपिक आपने रख लिया सपोज फिजिकल स्पेक्ट्रा। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही आ रहा है ना, तो ऐसे सब सेक्शन करके 2 टॉपिक मत लिखना और मत मत बताना। ओके, ये एक बात है। नेक्स्ट, वहाँ पर जब भी मतलब इंटरव्यू देने जाओ तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पता करके जाना। ये आपका बेसिक ड्यूटी है पता करके जाना, क्योंकि BRC कब किन मतलब कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, उनका व्यू क्या था, हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द एमिनेंट पर्सन बिहाइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BRC, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, कहाँ पर क्या काम होता है। एक्चुअली आपको आपका जो जॉब है, आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम दिया जाएगा, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। भले ही इंटरव्यू बहुत टेक्निकल होगा, मतलब सब्जेक्ट के ओरिएंटेड ही पूछा जाएगा, बट ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में एक बार चला गया और उनको लगा कि आप उस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी भी नहीं है और जो इंस्टीट्यूशन में आप जाने वाले हो वहाँ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो दैट लिव्स अ वेरी बैड एक्सप्रेशन, राइट? तो ये अवॉइड करना है आपको, मतलब ये सब पहले से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में गिव अप नहीं करना। गिव अप इन द सेंस, कोई क्वेश्चन आपको सपोज नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, कोई अंदाजा नहीं आपको कि कैसे अप्रोच करना है, फिर भी उस बारे में जो भी जानते हो, जो भी आपको लगता है बताना, वो हेल्प करेंगे। बट अगर पहले ही आप गिव अप कर दोगे तो वो बहुत नेगेटिव एक्सप्रेशन जाएगा, क्योंकि आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट? मतलब बाद में भी अननोन प्रॉब्लम आएगा और किसी बड़े प्रॉब्लम का अननोन पार्ट आएगा आपके पास, वो सॉल्व करना है आपको। अगर अननोन चीज़ देख के आप गिव अप कर दोगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर इंटरव्यू। तो आपको अप्रोच करते रहना है। अगर आपको हिंट चाहिए तो हिंट मांगना है उनसे कि थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, बट गिव अप नहीं करना। आपको मतलब उनको लगना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन के साथ जूझना आता है, ठीक है? तो आप गिव अप नहीं करोगे। नेक्स्ट, वहाँ पर कॉन्वर्सेशन में BARC को बार्क मत बोलना, BARC बोलना या भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर ही बोलना, ठीक है? एंड यही है, ज़्यादा घबराना नहीं है एंड ज़्यादा चालाकी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी यू नो कोई टॉपिक आपको सपोज डिटेल में नहीं पता और वो डीप में पूछ रहे, तो आपको ऐसा नहीं करना कि जो भी मन में आया बता दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बता देना है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ बट मुझे लगता है ये हो सकता है। ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंस के साथ गलत बता रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है? क्योंकि एक बार मतलब मुझसे ऐसे पूछा था कि
एक सिंपल क्यूबिक सेल है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था, एक ऐसे सेल है एंड उस सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा। मैंने बोला कि टोटल एक ही होगा, बोला एटम की पोजीशन बताओ, मैंने बोला आठ कॉर्नर पे, तो बोला आठ ही तो है फिर आठ होगा है ना, एक क्यों होगा। मैंने बोला 1/8 करके कंट्रीब्यूशन होता है, आठ सेंटर का टोटल 1। तो उन्होंने बोला कि सपोज एक ग्लूकोज का क्रिस्टल है जो सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है, ग्लूकोज का क्रिस्टल है तो उसका जो क्रिस्टल सिस्टम से आप एक यूनिट सेल निकल रहे हो, मतलब काट के अलग कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे यू नो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एन यूनिट सेल, वो आप कैसे पता करोगे। अब यहाँ पर आप सोचो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, काफ़ी एसिमेट्रिक है। तो जब हम जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि कॉर्नर में वो जो एटम्स है हम उसको एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं, है ना, तो इसीलिए d इक्वल टू 2r ऐसा होता है ना, तो हम स्फीयर कंसिडर करते हैं। अब ग्लूकोज सोचो, ग्लूकोज का इमेजिन करो कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो पूरा एसिमेट्रिक होगा, है ना, तो वो एक एक ऐसे कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अब उसको तुम काट के, एक यूनिट सेल काट के अलग कैसे करोगे, तो एक ग्लूकोज को तो 1/8 करके काटना पड़ेगा, वो कैसे काटोगे आप। तो मैंने बोला सर जितना मुझे पता है कि एक जो यूनिट सेल है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूनिट सेल इमेजिन करते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि एक यूनिट सेल को काट के अलग किया जा सकता है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि जो एटम है वो स्फीयर है, तो एक यूनिट सेल को जैसे एज इट्स एन इमेजिनरी कंसेप्ट, तो उसको काट के हम कैसे अलग कर सकते हैं, मुझे पता नहीं कि अलग किया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, साइंटिस्ट है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बोल रहा हूँ अलग किया जा सकता है, इसका मतलब किया जा सकता है। अब सोचो, तो मतलब ज़्यादा चालाकी नहीं, मतलब बताना बिल्कुल नहीं आता तो हिंट मांग लेना, या बताना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा एलेबरेट करके बताइए, ऐसे गिव अप नहीं करना, एंड उल्टा सीधा जो भी मन में ऐसे मत बताना, ठीक है। जिसमें श्योर नहीं हो तो वो बता के बोलना कि इस बारे में मुझे नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। ओके, तो यही है बस, बेस्ट ऑफ लक। और कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वो प्रोसेस, वो अच्छे से देख के जाना, मैंने एक वीडियो बना रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, पूरा कंप्लीट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कैसे कैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।